हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में हम फिफ्थ चैप्टर को रीड कर रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर में गाइस, अभी तक आपने लिस्ट के बारे में देखा, टप्पल के बारे में देखा, आज हम न्यू कंसेप्ट देखने जा रहे हैं फिफ्थ चैप्टर में, जिसका नाम है डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी के बारे में देखने जा रहे हैं कि डिक्शनरी क्या होती है और किस तरीके से काम करती है। ठीक है, डिक्शनरी का कंसेप्ट भी कुछ कुछ हमारे लिस्ट और टप्पल से ही मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे कि हम कोई लिस्ट बनाते तो कैसे बनाते थे, इस तरीके से हमने लिस्ट बनाई है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लग गए, तो अगर किसी मेमोरी लोकेशन के बाद इक्वल लगाने के बाद इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो किसका रूप हो जाता है, लिस्ट का रूप हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी मेमोरी लोकेशन के आगे इस तरीके से ब्रैकेट्स लगा देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, तो एक इसका रूप हो जाता है, ये हो जाता है आपका रूप टप्पल का, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इसी प्रकार सेम, यदि हम किसी मेमोरी लोकेशन के आगे इक्वल का साइन लगाते हैं और अगर उसके आगे इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं तो ये रूप हो जाता है डिक्शनरी का। यानी डिक्शनरी, जिस प्रकार आप लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते थे, टप्पल को स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते थे, उसी प्रकार डिक्शनरी को आपको इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस में लिखना होगा। ठीक है, अब डिक्शनरी की सबसे मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ पे देखिए, डिक्शनरी में जो भी डेटा आप देते हैं, जैसे डिक्शनरी है और डिक्शनरी के अंदर आप जो भी डेटा देते हैं, सपोज आपने दिया ए कॉमा, फिर आपने दिया बी, ठीक है, और इस तरीके से आपने डेटा दिया सी। और अगर आप इसको प्रिंट करवाते हैं, डिक्शनरी को प्रिंट सी, इसको आप प्रिंट कराने जाएंगे तो देखिए आउटपुट किस तरीके से आएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेव किया है मैंने अपना प्रोग्राम, ठीक है, फाइल मेरी सेव है, मैंने पहले कर रखा था, सेव की फाइल है, अब मैंने इसको सिर्फ को सेव कर दिया है। अच्छा, नाम यहाँ पे टप्पल वन डॉट डी टी पी वाई आ रहा है, पिछली बार प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको टप्पल पढ़ाए थे उसी में पेज बना हुआ था, तो एक काम करती हूँ, मैं चेंज ही कर देती हूँ नाम इस, ठीक है, सेव एस कर देती हूँ और नाम चेंज कर देती हूँ, अननेसेसरी इसको टप्पल क्यों रहने दें। ये अब हम डिक्शनरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डी आई सी टी नाम दे देती हूँ, ठीक है, dict.py एक्सटेंशन से इसको सेव कर देते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक, नाउ सेव कर दिया, अब हम रन करके देखते हैं, तो देखिए आउटपुट कैसा आएगा। देखिए जो आउटपुट है वो कर्ली ब्रेसेस के रूप में आ रहा है। और दूसरी बात ध्यान दीजिए कि कोई जैसे आपने लिखा था ए बी सी, उसका कुछ ऐसा फिक्स नहीं कि ए बी सी के रूप में ही आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट आपको सी ए बी यानी जो ऑर्डर है वो चेंज होकर भी आपको यहाँ पे आउटपुट दिख सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आपने ये पहला अंदर तो देख लिया लिस्ट आपके टप्पल और डिक्शनरी में कि आपको उस तरीके से ऑर्डर में डाटा मिल जाता है। ठीक है, ना दूसरी चीज देखिए, जैसे आपने लिस्ट बनाई थी, ठीक है, ये ए की जो वैल्यू है, इसमें सपोज आपने यहाँ पे डाटा लिख दिया था 1 2 3, ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं इसकी इंडेक्सिंग। ठीक है, हम देखते हैं जो आपने टप्पल पढ़े थे, लिस्ट पढ़ी थी और अब डिक्शनरी पढ़ने जा रहे हैं, इनकी जो इंडेक्सिंग है उसमें क्या डिफरेंट है, देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाती हूँ, और इंडेक्स तो आपको मैंने देखना सिखाई था प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है, आपने यदि प्रीवियस वीडियो में देखा तो प्लीज उसको अच्छे से देखिएगा। सपोज यहाँ पे ए ऑफ वन में जानना चाहते हैं, ठीक है, कि ए ऑफ वन यानी ए मेमोरी लोकेशन की वन प्लेस पे क्या डेटा रखा हुआ, ये जानना चाहते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, ए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वन। आप सभी जानते हैं आंसर तो हमें 2 ही मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर 2 हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सेव किया है अपना प्रोग्राम, ठीक है, और अपने प्रोग्राम को रन करने जा रही हूँ, तो देखिए जो मेरे को यहाँ पे प्रिंट ए वन वाली जो जगह यानी ए मेमोरी लोकेशन की पहली वैल्यू, वो देखिए यहाँ पे प्रिंट होके क्या दिख रही है मेरे को, 2 दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें प्रिंट हो रही है, एक तो ये प्रिंट ए ऑफ आई की वैल्यू जो कि 2 है। ठीक है, अब ये चीज आप समझिए, क्योंकि मैंने इंडेक्सिंग आपको पढ़ाई थी लिस्ट में, ठीक है, और दूसरी चीज
ये वाली वैल्यू प्रिंट हो रही है सी मेमोरी लोकेशन की, जिसके अंदर मैंने क्या दिया है डिक्शनरी दी है, तो मेरे को ये यहाँ पे डिक्शनरी प्रिंट होती हुई दिख रही, दो चीजें प्रिंट होगी। ठीक है, अभी जो हम कंसेप्ट मेन देखने जा रहे हैं वो इंडेक्सिंग का देखने जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज तो आपने देख ही रही थी अभी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, इंडेक्सिंग आपने ए ऑफ वन दे दिया। अब सपोज आपने यहाँ पे ए ऑफ वन ना लिखते हुए आपने यहाँ पे ए ऑफ फोर लिख दिया है तो क्या होगा, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, बिना मतलब दो दो प्रिंट स्टेटमेंट आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ ए ऑफ फोर लिख दिया तो क्या होगा, कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, एफ फाइव के साथ रन किया तो देखिए एरर आ गई, एरर शो हो रही है। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई जो तुमने पूछा है प्रिंट ए ऑफ फोर, जो तुमने बोला है प्रिंट ए ऑफ फोर, वो क्या कह रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये आपकी लिस्ट की इंडेक्स में ही नहीं है। ठीक है, अब इंडेक्स में नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्यों ना मैं काम करूँ यहाँ पे ए ऑफ फोर इसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करा देती हूँ। भाई मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो भी चौथी लोकेशन है ए मेमोरी लोकेशन की उसके अंदर फाइव स्टोर हो जा, क्या फाइव स्टोर हो जाएगा देख लेते हैं। सबसे पहले तो उसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन कराते हैं, देखिए एरर आ रही है। ए ऑफ फोर में आप इस तरीके से, यानी ए ऑफ फोर में आप इस तरीके से फाइव को या किसी यानी किसी अन्य वैल्यू को इंसर्ट नहीं करा सकते। क्या कह रहा है वो, लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, सेम चीज कह रहा है कि भाई आप इस तरीके से जो इंडेक्सिंग है वो नहीं कर सकते हैं, और इस तरीके से डायरेक्ट किसी भी इंडेक्स में के अंदर वैल्यू को इंसर्ट नहीं करा सकते। कब, लिस्ट में, है ना, लिस्ट में आप चाहे तो पर्टिकुलर, जैसे इसके बाद कौन सा जीरो वन टू सॉरी थ्री आएगा, है ना, फोर नहीं आएगा सॉरी थ्री आएगा, थर्ड मेमोरी लोकेशन पे मैं चाहती हूँ कि थ्री के बाद फाइव ऐड हो जाए, तो मैंने इस तरीके से काम कर दिया ए ऑफ थ्री इक्वल्स टू फाइव, तो क्या ये ऐड हो रहा है ना, तो ये ऐड नहीं हो रहा, उसके बदले क्या आ रही है यहाँ पर एरर आ रही है। ठीक है, यानी लिस्ट में कभी भी आप इस तरीके से डायरेक्ट किसी भी मेमोरी लोकेशन में, डायरेक्ट किसी भी इंडेक्स में वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हो, ना ही आप ऐसा टप्पल में कर सकते हो। टप्पल कैसे होगा, टप्पल मैंने आपको बताया था स्क्वायर ब्रैकेट के यदि आप स्मॉल ब्रैकेट लगा दो तो ये क्या हो गया, टप्पल हो गया। देखते हैं क्या टप्पल में आप डायरेक्ट वैल्यू स्टोर कर सकते हो, कंट्रोल एस की सहायता से सेव करते हैं, एफ5 की सहायता से रन करने जा रहे हैं। देखिए टप्पल में भी आप इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यू को यू असाइन नहीं करा सकते, लेकिन यदि ये केस आपका डिक्शनरी का हो जाए, इस तरीके से ये केस आपका डिक्शनरी का हो जाए, तो आप वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं किसी भी इंडेक्स में। ठीक है, कैसे कराएंगे चलिए देख लेते हैं, इसका प्रॉपर देख लेते हैं हम डिक्शनरी को, और फिर उसका प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि हम डायरेक्ट इसमें इंडेक्स में वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं या नहीं करा सकते। ठीक है, यानी लिस्ट में आप नहीं करवा सकते डायरेक्ट, टप्पल में नहीं करा सकते, लेकिन डिक्शनरी में करा सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो एक काम करिए, एक डिक्शनरी बना लीजिए, आप अपने मन से जीरो इंडेक्सिंग पे एक वैल्यू को ले लीजिए वन। सपोज मैंने जीरो इंडेक्स यानी सबसे पहले वन वैल्यू ले ली, देन उसके बाद ए ऑफ वन लोकेशन पे मैंने यहाँ पर ले लिया टू। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। देख लेते हैं क्या ये जो हम देखते हुए थे अभी लिस्ट, अभी मैंने लिस्ट में देखा और लिस्ट में देखा सॉरी टप्पल में देखा इस तरीके से वैल्यू इंसर्ट नहीं हो रही थी, लेकिन जो डिक्शनरी का फॉर्म जैसे आया क्या ये वैल्यू इंसर्ट हो रही है, देख लेते हैं। कंट्रोल एस के साथ सेव किया अपना प्रोग्राम, एफ फाइव की सहायता से रन करने जा रही हूँ, बिल्कुल हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट हो चुका है, वन टू ये इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे दूसरी बार गौर करने वाली देखो क्या आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे देखो जीरो लिखा है, जीरो इज टू और फिर लिखा हुआ है वन। जीरो क्या लिखा हुआ है, जीरो इसलिए लिखा हुआ, देखो जो जो लोकेशन आप यहाँ पे देते हो ना, ये ए ऑफ जीरो जो आप यहाँ पे लिखते हो, ये लोकेशन ये मेमोरी लोकेशन लिखी आती है सबसे पहले। ठीक है, फिर इस तरीके से डबल कॉलन का साइन लगा आता है। ठीक है, और उसके बाद जो भी वैल्यू आपने लिखी है वो लिखी आ रही है वन। ठीक है, हम वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे वन लिखा है ना, वन की जगह हम यहाँ पे ए बी सी लिख देते हैं। ठीक है,
और टू लिखा है ना यहाँ पे, हम एक काम करते हैं, ठीक है, एन लिख देते हैं, एन सॉरी एन जे के लिख देते हैं। अब कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं, F5 के साथ इसे रन करने जा रहे हैं। वो क्या नंबर नंबर थे ना दोनों, तो हो सकता है आपको एकदम समझ में ना, सटीक दिमाग में ना बैठे, इसलिए मैंने क्या किया डेटा जो है वो कैरेक्टर के फॉर्म में ले लिया। तो यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपने ये जो आपको जीरो दिख रहा है, ये बेसिकली कौन सा जीरो है, जो जीरो आपने यहाँ पे लिखा है A of 0, यानी जीरो की लोकेशन पे क्या स्टोर है, ABC। तो ये बकायदा जो डिक्शनरी है ना वो लोकेशन के साथ साथ आपको डाटा शो कराती है कि जीरो लोकेशन पे ABC स्टोर है, फर्स्ट लोकेशन पे NJ के स्टोर है। इस तरीके से ये जो डाटा रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से ही होगा, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि हम A of 0, A of 1, हम चाहते हैं कि इसका जो इंडेक्स का नाम है वो चेंज कर दें, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। हमने इस इंडेक्स का नाम A दे दिया और इसका नाम B दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा जो डाटा वो चेंज कर दी, तो फिर आप ए में कंफ्यूज हो जाओगे। देख लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया पाइथन, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ से रन किया है, एरर है, कुछ गलती की है मैंने। हाँ क्या गलती की है, यहाँ पे ना जब आप 1 2 3 लिखते हैं ना यहाँ पे A of A इसके अंदर, तब से आप 1 2 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने A लिखा है ना तो AB ये सब लिखने के लिए आपको इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाने, सॉरी इस तरीके से आपको इन्वर्टेड कोट्स लगाने होंगे। ठीक है, नाउ कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 की सहायता से रन करने जा रहे हैं, तो देखिए आ गया। तो आउटपुट ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने A और यहाँ पे आपने A of A और A of B लिखा है ना, तो यहाँ पे देखिए लोकेशन बता रहा है। सबसे पहले मेमोरी लोकेशन बताता है कि A नाम के लोकेशन के अंदर पाइथन स्टोर हुआ है और B नाम के अंदर NJK स्टोर हुआ है, ठीक है। तो क्लियर बात समझ में आ गई कि बेसिकली जो आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं उसके नाम से क्या बनती है, एक तरीके से इंडेक्सिंग बनती है, ठीक है। जैसे इंडेक्सिंग आप सभी जानते हैं, हम कोई लिस्ट बनाते हैं, कोई इंडेक्स बनाते हैं, तो जरूरी तो नहीं है हम उसको 1 2 3 के नाम से ही बनाएं, ठीक है। हम उसको ABC के नाम से भी बना सकते हैं, ठीक है, और भी कई तरीके होते हैं, कैपिटल A कैपिटल B के नाम से भी बना सकते हैं, ठीक है, तो हमारी मर्जी है। तो इसी तरह जो हम डिक्शनरी बनाते हैं उसमें भी क्या करते हैं, हम इसमें इंडेक्स का नाम स्वयं ही चूज कर सकते हैं। तो इंडेक्स का नाम हमने स्वयं ही क्या किया है, चूज किया है। तो जो डिक्शनरी है वो इंडेक्स के जो भी इंडेक्सिंग करी है हमने उसके साथ साथ डाटा बताती है कि इस इंडेक्स पर ये डाटा रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें दूसरी जानने वाली चीज देख लीजिए, ये जो ध्यान दीजिए इस बात पे, ये जो आपको A दिख रहा है, ये जो B लिखा हुआ दिख रहा है, ये बेसिकली कहलाती है की, ठीक है, ठीक है। और ये जो आपको डेटा दिख रहा है ना, ये पाइथन NJK, ये डेटा क्या कहलाता है, वैल्यू, ठीक है। और ये है आपकी, जैसे A है, ये B है, ये क्या है आपकी कीज है, और ये पाइथन है, ये NJK लिखा है, ये बेसिकली क्या आपकी वैल्यूज हैं। और जो की और वैल्यूज हैं वो किसके द्वारा सेपरेट है, इस तरीके से कॉलन के द्वारा सेपरेट की गई है, ठीक है, क्लियर समझ में आया। तो डिक्शनरी में की भी यूज की जाती है, साथ में उसकी वैल्यूज भी यूज की जाती हैं, और की और वैल्यू इस तरीके से डबल कॉलन के रूप में सेपरेट की जाती हैं। ओके, सो आई होप डिक्शनरी का जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके आगे हम और भी देखेंगे डिक्शनरी में हम किस तरीके से डाटा ऐड कर सकते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ, अगर ये लिखा रहेगा तो एरर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आउटपुट स्क्रीन पे मैं इस तरीके से कुछ लिख नहीं सकती हूँ डायरेक्ट, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया था। ओके फ्रेंड्स, तो डिक्शनरी का कंसेप्ट, डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं, डिक्शनरी किस तरीके से आउटपुट दिखती है, आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स, बाय बाय।